बताइए, कहा चाहिए कोई फायदा क्या? फायदा ही थोड़ी देखा जाता है। हाँ हाँ फायदा देखा जाता है, क्योंकि ये जीवन छोटा है। यदि आप महापरिवर्तन कर रहे हैं तो आपको एक भी लम्हा खराब नहीं करना चाहिए। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, लेकिन प्रयास वहां करिए ना जहाँ लोगों को समझ में आ रहा है। यदि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनके जब उनको दूसरों से सुन के समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा। अदरवाइज बताइए, छोटे छोटे लोग उनको उनके बीच में जाके उनको समझा रहे हैं उनको दुष्टा सवार है, है? नहीं वो तो है। तो अब हम जैसे पूरे जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम नहीं, आप इंडिया की बात मत करिए, आप जहाँ है वहां की बात करिए। हाँ हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, आप स्किल की बात करिए। हाँ हाँ तो हम यही कह रहे हैं, जैसे बात करिए हम उस चीज को पहले एक गांव को ही ठीक ठाक करें। एक गांव को नहीं हो सकता है, नेचर कनेक्टेड है, एक गांव में कुछ नहीं हो सकता है। आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, ज्यादा हीरो बनोगे ना तो झूठी FIR दर्ज करके साला जेल में डाल देंगे तुमको। ज्यादा हीरो बनने की किसी को जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो ना? इस दुष्ट व्यवस्था में यदि आप जो है समग्र परिवर्तन का मॉडल लेके नहीं आएंगे, यदि आप जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, टैक्स मुक्त, कर्ज मुक्त और 5 फंडामेंटल राइट देने की बात कर रहे हैं और लोगों को कुछ नहीं करना है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और आप मूर्खों के बीच में अपना समय बर्बाद करने उनके गांव में जाओगे, क्यों जाओगे? जहां पे कि जो है कोई भी आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा, झूठी रिपोर्ट कर देगा, साला जेल में और सड़ोगे। अरे ऐसे कैसे करते हैं? अरे हम ये कह रहे हैं ये दुष्ट है, ये दुष्ट व्यवस्था है, ऐसा ही हो रहा है। 90% जो मुकदमे कायम हो रहे हैं वो झूठे हैं, विवेचनाएं हो नहीं रही है, बिना कारण के इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया और आपका चालान पेश कर दिया जा रहा है। वहां मजिस्ट्रेट दुष्ट है, उसे खुद कानून नहीं मालूम है, वो चार्ज फ्रेम कर दे रहा है। आपको जो है घटिया कानून में मौत कारित करने तक का हक दिया है, सेक्शन 100 IPC और 103 में। आप अपने बचाव के लिए, दूसरों के बचाव के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए और दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए दो दो सेक्शन दिए गए हैं, 100 IPC और 103 IPC, जहां पर आप जो है सामने वाले की मौत कारित कर सकते हैं और आपने अपराध नहीं किया। फिर जो है ये सामूहिक बलात्कार कैसे हो रहे हैं, सामूहिक जो है ना हत्याएं कैसे हो रही हैं? ना आपको बताया गया, ना आपको लाभ दिया गया, ना आपको तैयार किया गया। यदि आम जनता को सिर्फ तैयार कर दिया जाए तो हमें सेना और पुलिस की जरूरत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सामूहिक बलात्कार करे, क्योंकि उसको मालूम है सामने वाला सूट कर देगा अभी, और ये उसने हत्या नहीं की, उसका एक कानूनी हक है। है पर ऐसा होता नहीं है, कर देगा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वो दुष्ट व्यवस्था है, उसको बदलने का ही तो मॉडल दे रहे हैं कि भाई साहब अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ लो। हम तो साले इतने दुष्ट हैं, नहीं नहीं हम तो इतने दुष्ट हैं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। हम तो इतने दुष्ट हैं कि उसी में हर मैसेज में एक लिंक दी गई है उससे ऐप डाउनलोड करने, हम इतने दुष्ट हैं कि साला ऐप भी डाउनलोड नहीं किया। और फिर उसमें बहुत आसान प्रक्रिया दी गई है कि भैया जिनसे जुड़े हुए हो अपने प्रोफाइल में जाओ, शेयर ऑन व्हाट्सएप का भी दिया गया है और उसमें वो आपकी लिंक भी क्रिएट करता है कि जो आपकी लिंक से जुड़ेगा उसके नंबर भी आपको मिलेंगे, जिससे आगे चल के आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं। लेकिन हम तो दुष्ट हैं ना, छोटा मोटा भ्रष्टाचार करके अपना छोटा सा मकान बना लेंगे, छोटा सा संपत्ति का वो अर्जन कर देंगे जो बाद में जिहादी जो है उस पर उनको मिलेगी वो, और वो आपकी बहन बेटियों को जो है ना आपके सामने बेआबरू करेंगे और आप उसको देखने के लिए विवश होंगे, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बेग में बनाया जाएगा। ना ये राजनेता आपकी मदद के लिए आएंगे, ना सेना आपकी मदद के लिए आएगी, ना पुलिस की मदद में आएंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग तो अपने वोट पॉलिटिक्स को देखते रहेंगे ना। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सही बोल रहा है, वो सब लोग स्वार्थी है चाहे कोई कहीं। तो भैया अपने स्वार्थ की पूर्ति करते रहो, इससे ज्यादा स्वार्थ की पूर्ति क्या हो सकती है कि आपको 21 महालक्ष्यों में महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। आपको 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा भाई साहब,
फंडामेंटल राइट टू हेल्थ मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट टू फूड मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट वो एजुकेशन मिल जाएगा, और फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी समृद्धि का मिल जाएगा। समृद्धि भी बना रहे हैं और आपको जो ना कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो हम कितने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते, जबकि हमें कुछ करना ही नहीं है। फिर हम विद्वान किस बात के हैं? हमें तो इतनी अकल भी नहीं है कि हमारे ऊपर अभी भी जो है 3 नए कानून आने के बावजूद भी गुलामों के वही ना कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, जहां ना पुलिस में सुनवाई है, ना ठीक विवेचना होती है, ना मजिस्ट्रेट को अकल है कि वो आपका जो है ना आपको जो आपके हकों के अनुरूप यदि कोई अपराध नहीं मर रहा है तो चार्ज फ्रेम करते वक्त ही उसे रोक दे। आप बरसों बरस जो है ना परेशान रहते हैं, तो आप एक गुलाम हैं, गुलामों को तो यही सब मिलेगा, क्योंकि आप जो है स्वतंत्र नहीं हुए हैं, आप स्वाधीन जरूर हो गए हैं। अब आप जो है अपने ही राजनेताओं के अधीन हैं, लेकिन उन्होंने अपना तंत्र स्थापित नहीं किया है। और ये राजनेता और राजनीतिक पार्टी कितनी घटिया है, जो आपको अच्छा प्रतिनिधि नहीं दे सकते, वो अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं? वो जाति धर्म धार्मिक उसके आधार पर गलत लोगों को चयन करते हैं, और उसमें भी अपराधी बाहुबली और धनबली हो तो और भी अच्छी बात है, और फिर वो भी अपराध करके जीतता है, धन बांटता है, साड़ी बांटता है, पैसे बांटता है, जो कि अपराध है। तो एक अपराधी अपराध करके आपके वोट खरीद करके जीतता है और आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ एकदम अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। उसके सोच और चिंतन और क्षमता तीनों भी आपको अच्छा भारत देने की नहीं है। अनिल खरे जी, मैं सही बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? बात तो आप सही। तो फिर आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? हम तो अनिल खरे जी से पूछ रहे हैं, हम तो मास्टर साहब से पूछ रहे हैं कि अब आपके उम्र के इस पड़ाव में एक एक दिन काउंट करता है, कम से कम जितनी एनर्जी है उतना तो कर ले। यदि हम स्किल के साथ आसपास के गांव में जा सकते हैं तो कुछ तो कंट्रीब्यूट होगा, अन्यथा आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं? गुलामों वाला भारत, जहां उनके विरुद्ध झूठी मुकदमा कायम होंगे, जहां ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जहां दोनों पक्षों से घूस ले ली जाएगी, जहां प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि वो नेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, उन्हें अपने लिए और नेताओं के लिए भी धन कमाना है। तो इस पूरी स्कीम में अनिल खरे जी आप कहां हैं, ये तो सोचो ना। तो उसके लिए केवल ग्रुप में उस अकेले से कुछ नहीं होगा। आप तो जितना कह रहे हैं उतना करो ना, बाकी जो ना मैथिलेश्वर गुप्त के ऊपर छोड़ दो। आप जो है यदि जहां पे भी एक मिनट, यदि अपने यहाँ लोगों को इनवाइट कर सकते, सुन लो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ जितना आपसे कर रहे हैं उतना करो ना, फिर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसकी जिम्मेवारी मैथिलेश्वर गुप्त लेते हैं ना, क्योंकि आपका पैसे तो लग नहीं रहे हैं, आपको कोई कष्ट तो हो नहीं रहा है, आपको जुलूस तो निकालना नहीं पड़ रहा है, धरना तो देना नहीं पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी मंत्री मुख्यमंत्री को तो ज्ञापन देना नहीं पड़ रहा है, आपके हस्ताक्षर तो हम करा नहीं रहे हैं, कोर्ट कचहरी में तो पिटीशन लगा नहीं रहे हैं, जंतर मंतर पर धरना पे दे नहीं रहे हैं, तो भाई साहब आपका जा क्या रहा है, अजमाने में क्या दिक्कत है? आप अपने स्तर का जो बताया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उतना क्यों नहीं कर रहे हैं आप? चलिए अभी मीटिंग में आ गए सब लोग आपका सारा। अरे यार ये सब मीटिंग बेकार की है, इससे भारत नहीं बदलने वाला है, और ये चीज रिकॉर्ड हो रही है, कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी, तो उसमें सुन भी लिया जाए, क्योंकि मेरा तो ये आह्वान देश के हर व्यक्ति से है, और सैकड़ों जो है ना ग्रुप रोज मुझे जोड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी आवाज तो पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल पहुंच रही है, क्यों नहीं पहुंच रही है? तो फिर हमारे अपने लोग, हमारे अपने लोग जो है वो जो है ना क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? उनका कुछ नहीं जा रहा है तो जो कहा जा रहा है उतना करने में क्या दिक्कत है? अपने लोगों को चाय पे बुलाने में क्या दिक्कत है? अपने लोगों को खाना पे बुलाने में क्या दिक्कत है? जहां भीड़ हो वहां पे पहुंच जाने में क्या दिक्कत है? बताओ आप कब आ रहे हैं चाय पे खाना पे? नहीं नहीं आप वहाँ आयोजन करेंगे तो हम आएंगे, लेकिन आयोजन ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है मैं आयोजन करता हूँ, प्लान करता हूँ। आप बिल्कुल प्लान करिए, जब आप प्लान करेंगे तो मैं दौड़ के पहुंचूंगा। ठीक 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 बिल्कुल ओके, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।